एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे यूई सेमेस्टर वन सेशन 2022 से 26 में पढ़ते हैं तो उन सभी बच्चों को देखिए पास करने के लिए मिल गई दवा। मैंने ये थंबनेल पे लिखा हुआ है, क्यों लिखा है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल पे हर प्रकार की अपडेट मिलते रहे। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो आप में से जो भी बच्चे अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन पर डाल दूंगा उसका लिंक। या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा या फिर मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चाहे आप जिस भी सेमेस्टर में यू सेमेस्टर में उनके बच्चों के लिए तो रामबान वीडियो बोला तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग यू सेमेस्टर वन के बारे में बच्चे जो भी बच्चे बात कर रहे हैं उनको क्या है दवा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो बच्चे मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं कृपया करें फेसबुक फॉलो कर ले क्योंकि कभी भी हो सकता है देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट बोल रहा हूँ चैनल डिलीट करने का ऑर्डर आ सकता है, इसलिए मुझे फेसबुक पेज में होगा तो फॉलो करके रख लीजिएगा तो आप ही लोग के लिए बेटर है। मैंने आपको इसलिए बता दिया तो थोड़ा इंट्रो ज़्यादा लंबा चल गया होगा तो माफ करिएगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा एक गेस्ट पेपर आया हुआ मार्केट में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा जो सिलेबस है उसके तहत 4 साल का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसके तहत वर्मा डाइस नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया हुआ। और ये सेमेस्टर किसका है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहीं है कि ये सेमेस्टर है किसका, सबसे बड़ा बात है। नीचे लिखा हुआ मिलेगा सेमेस्टर वन बीए बीएससी बीकॉम के जो भी छात्र छात्र तो देखिए जिनका भी मिल एमआईएल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जहाँ तक तो मुझे याद है इसका डेफिनेशन होता है एमएल का, उसका ये सिलेबस है। और सिलेबस में देखिए कुरुक्षेत्र, हिंदी कहानी, निम्बन, संक्षेपण, पलवन, पत्र लेखन, व्याकरण आदि की सारी जो बातें हैं आपको इस गेस्ट पेपर में मिलने वाली है। तो आप में से जो भी बच्चे मिल हिंदी का सिलेबस खोज रहे हैं, पहले तो मिल हिंदी का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मिल हिंदी का सिलेबस आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है मैंने ये पूरा सेशन देखे बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं तो मेरे चैनल पे सारे के सारे वीडियो पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लीजिएगा कि क्यों नहीं बनाया है, सारा बात वहाँ बताया हुआ है। फिलहाल अभी जो भी बच्चे जो भी सेमेस्टर वन में 22-26 सेशन के आपको मालूम होगा 6 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 6 एग्जामिनेशन में एक मिल हिंदी का भी पेपर आपका होने वाला है जो सिलेबस आपका ऑफिशियल है नहीं। और ये भी हमारे पास अभी आया हुआ है मार्केट में वर्मा डाइजेस्ट और न्यू सिलेबस के आधार पर है। दाम मुझे भी शायद याद नहीं आ रहा कितना का, जितना भी होगा तो आप लोग एक बार जो भी अपने जिस भी महान कॉलेज पढ़ते हैं वहाँ जाके श्योर होकर इस पर सिलेबस का मांग के इसको जरूर मिला लीजिएगा। और ये गेस्ट पेपर आप लोग हो सके तो जरूर ले लीजिएगा क्योंकि सिलेबस है नहीं तो जो भी हमारे पास यही है तो पढ़ना हमको इसी से पड़ेगा। मजबूरी बोलिए चाहे जो बोलिए आप लोग ले सकते हैं और ये मार्केट में भी अवेलेबल है, हो सकता है मार्केट में कल ना मिले तो जितना जल्दी हो लेकर रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता थोड़ी सी पाबंदियाँ मुझ पर लगी हुई है इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ देखिए फिलहाल बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। तो आप में जो भी बच्चे हैं जो भी कल का वीडियो देख चुके उनको समझ में आ गया क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, बाकी देखिए जैसा क्या होगा भविष्य का आगे कोई नहीं बता सकता। फिलहाल अभी जो भी बच्चे सेमेस्टर वन में पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय कम है काम ज़्यादा है।